चलिए अब दो नंबर देखिए, ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें भी वही करना है कि नौ को हम लोग ऐसे तोड़ना है कि उसका घात दो हो जाए, तो तीन का घात दो, तीन तिहाई नौ हो गया, और इस सब का कितना है, तीन बट्टा दो, ये दो कट गया, और तीन का घात तीन मतलब 27, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, ठीक है। अब मीम देखे होंगे जैसे होता है, तीन तिया नौ तिया 27 तिया, इस तरह से। तिया नौ तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 57 तिया 63 62 एकदम में 6,362 पर चला गया, एक से शुरू किया, इस तरह से बढ़ता है। तो वही बात अभी याद आ गया। तो चलिए आगे देखिए, अगला 32 को तोड़ना है 5 बार में, तो पहले भी कर चुके हम लोग, दो ही इसका होगा, दो का घात 5, और यहाँ पे सबका 2/5 तो है ही, तो ये 5 5 कट गया, तो 2 का घात 2 यानी 4, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं फटाफट। तो देखिए 4 4 करना है, तो किसको 4 बार गुना करेंगे, तो 16 आ जाएगा, तो 2 दुनी 4 दुनी 8 8 दुनी 16, ठीक है। देखिए आप ऐसे नहीं समझ में आए तो 16 को काटिए, 2 से तो 8 हो गया, 2 से करेंगे 4 हो गया, 2 से करेंगे 2 हो गया, 2 से करेंगे 1 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 का घात 4 लिख सकते हैं इसको। अब इसको हटाइए तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 4, और इस सब का घात कितना है, 3/4। अब ये 4 उड़ गया, तो 2 का घात 3, तो 2 दुनी 4 दुनी 8, क्लियर है। इस तरह से बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस को कैसे करना है, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए तो यहाँ पे चलिए यहीं पे बनाते हैं, ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा, लाइन खींच दिए, ठीक है। देखिए इसको, ये 125 है, 125 को भी 3 में कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 3 बार लगातार गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और इस सब का घात क्या है, -1/3। अब माइनस का क्या चक्कर है, ऊपर में रहे, बीच में रहे, नीचे में रहे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में ऊपर में था तो ऊपर में दीजिए। अब 3 3 कट गया, तो 5 का घात -1, -1 का मतलब है 1/5, 1/5 का घात 1, ऐसे ही करते हैं, ये रूल है, ठीक है। कभी भी किसी का घात ऋणात्मक संख्या रहे तो उसको 1/ कर देंगे, और घात जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक कर देंगे। तो 1/5 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/5 ही होगा। तो ये हो गया प्यारा सा उत्तर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है।